strong. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम सेव पूरी की पूरी बना रहे हैं। ये पूरी हम रवे से बना रहे हैं, ना कि मैदे से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम रवा और इस रवे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगाएंगे। देखिए मैं किस तरह से भिगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के भिगाएंगे। तकरीबन हमने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है और इसको भिगा दिए। देखिए इस तरह से भिगाए और अब देखें इसको अपनी मुट्ठी में बांध के कि किस तरह से ये बन गया है। बस इसी तरह से इसको भिगा के 1 घंटे तक ढक के छोड़ देना है। 1 घंटा हो गया है, ये रवा फूल गया है। अब इसको आटे की तरह हम गूंद लेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद लेंगे। ये आराम से गूंद जाएगा। और अब थोड़ा से तेल डाल के उसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये हमारा आटा मसल गया है, अच्छी तरह से गूंद गया है। अब यहाँ पे हमने रखा है तेल गरम होने के लिए। इसमें से हम थोड़ा से आटा लेंगे, लोई बनाएंगे। और हमने मैदा लिया है, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं लगाने के लिए। और छोटी सी लोई लेके इसको हम पतली रोटी बेलेंगे। देखिए रोटी को पतली बेलना है। अगर ये रोटी मोटी बेलाएगी तो ये फूलने लगेगी पूरी। जब हम तलेंगे हमको फूली हुई पूरी नहीं चाहिए, और वो फूली हुई पूरी में तेल काफी भर जाता है और वो पूरी काफी तेल तेल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए मैंने कितना पतला सा बेला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्लास मेरे पास था, आप कोई भी कटर ले सकते हैं, उससे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। और ये जो किनारी निकलेगी हमारी, उसी आटे को हम वापस लेंगे, इसको अलग से जमा नहीं करेंगे। इसी आटे में जो गूंदा हुआ आटा है उसको थोड़ा और मिक्स करके वापस ऐसे ही रोटी बना के हम इसी तरह से पूरी कटिंग करेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने पूरी को डाल दिया है कढ़ाई में और इसको धीमी आंच में हमको तलना है। देखिए ये वेस्ट जो हमारा आटा था उसी में हम वापस फ्रेश आटा मिला रहे हैं और वापस इसको हम बेलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आपका ये आटे की जो लोई है अगर आप छोड़ देंगे तो कड़क हो जाएगी बहुत ज्यादा और आप उसकी पूरी नहीं बना पाएंगे। देखिए ये पूरी जो फूल गई है, यानी कि रोटी का जो हिस्सा कोई था जो थोड़ा मोटा रह गया था, इसलिए ये पूरी फूल गई है। अब यहाँ पे हमारा जो पूरी है काफी हद तक तल गई है, गोल्डन हो गई है और देखिए अच्छी तरह से तला गई है। अब इसको हम एक छन्नी में निकाल के छन्ने के लिए रख देंगे, तेल उसका निथर जाएगा, हम उसको डाल देंगे इसमें। इसी तरह से हम सारी पूरी को बनाएंगे और छन्नी में 1-1.5 घंटे तक उसको इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि सारा तेल निथर जाए। और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में नीचे टिश्यू लगाकर एयरटाइट कंटेनर में भर के 6 महीने तक फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये पूरी कि एक कमजोर दांत वाला इंसान भी इसको खा सकता है। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।